डॉक्टर साहब बड़े डेंजरस हैं का? बोलते ही नहीं। आप भाई साहब यहाँ दवा कराने आए हैं? और आप भाई साहब, आप दवा कराने आए हैं यहाँ? हम यहाँ के कंपाउंडर हैं। हम यहाँ के कंपाउंडर हैं। लेकिन शकल से तो मरीज लग रहे हैं। शकल से तो आप भी गधे लग रहे हैं, तो क्या आप गधे हैं? आप गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या? जो बोलता है वही होता है। मतलब हम गधे हैं? हैं? हम गधे हैं और क्या? देखो ऐसा है, क्लिनिक में आओ, कायदम बैठ लो, उठा के बाहर नाली में फेंक देंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो आप भड़क कह रहे हैं, हमने तो इसलिए आपको मरीज बोला था भाई कि ये आप मरीजों की जगह पे बैठे हैं, हैं? अगर आप कंपाउंडर हैं तो बैठे कहाँ हैं? बैठने की थोड़ी सैलरी मिलती है कि नहीं भाई साहब? हैं तो क्या? नहीं नहीं तो क्या, मरीज के बैठने की जगह तो क्या हम नहीं बैठ सकते यहाँ? अरे तुम हमारी बात छोड़ो, इधर बगल में डॉक्टर बैठे, उनको नहीं देख रहे हो? हम ही मिले तुमको लबराने के लिए। बात करते हैं, ऐसा है हमारा ज़्यादा दिमाग ना चाटो, हमारे पास इतना दिमाग नहीं, चाट चाट के तुम बराबर करोगे और हम करने देंगे। उनके पास ज़्यादा दिमाग, उनका दिमाग चाट लो जाके। नहीं बता दिया। अरे आप डॉक्टर हैं? हाँ हैं, हम डॉक्टर हैं, हम हैं डॉक्टर, लेकिन हमसे इस तरह से बात नहीं करोगे जिस तरह अभी बात हो रही थी। हमारा कोई दिमाग नहीं चाटेगा, बता दे रहे हैं हम। मेरा दिमाग इतनी तेज गर्म है, इतनी तेज गर्म है कि अगर आपने दिमाग चाटने की कोशिश की आप लोगों ने, सबकी एक एक करके सबकी जीभ जलेगी, सबकी। बताया तुमने जितनी नौटंकी करनी है सब आपस में कर लो, हमारे साथ कोई नहीं करेगा। तो यहाँ काहे बैठे हैं आप? अंदर जाइए। तो लोग अंदर किसको दिखाने चले गए? अरे यार, हम बगल वाली क्लिनिक के डॉक्टर हैं यार, दिमाग ना खराब करो यार हमारा। तो यहाँ काहे बैठे हैं आप? ऐसा है, हमारा कंपाउंडर आज बहुत लेट आया और चाबी लेके आया नहीं, जो कि मेरी क्लिनिक की है। मेरी क्लिनिक की चाबी उस कंपाउंडर के पास है घर में, वो लेने गया है, अब तक आया नहीं है। फोन मिला रहे हैं, 10 बार मिला चुके, बिजी है, खुद कभी बिजी रहता नहीं, फोन हमेशा बिजी। हमारी क्लिनिक 7 बजे खुल जाती है, आज अभी 10 बज रहा है, बाबूजी आए नहीं हैं, चाबी लाए नहीं है, गेट खुला नहीं, आधे पेशेंट हमारे रोड पे बैठे हैं, आधे गेट पे बैठे हैं, कुछ चढ़े ऊपर पेड़ पे, बात करते हो, हम यहाँ बैठे सड़ रहे हैं बिल्कुल, न एसी है न पंखा है, बस केवल बत्ती बत्ती जल रही, ऊपर से तुम लोग चाट रहे हो मेरा दिमाग, हमसे कोई बात नहीं करेगा, बता दे रहे हैं। अभी यार ध्यान से देखो जरा, डॉक्टर साहब की शक्ल बंदर जैसी लगती है ना। क्या कहा आपने? अरे हम इनसे कह रहे थे कि आपकी शक्ल बंदर जैसी लगती है। मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? हाँ भाई साहब आप बताइए, मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? दिखाइए भाई साहब, दिखाइए, इधर दिखाइए। ओ माय गॉड, आपकी शक्ल तो पूरी बंदर लगती, टू कॉपी। ओहो, अरे हटो यार, आप बताइए मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? नहीं तो कौन कह रहा आपकी शक्ल बंदर जैसी लगती, बिल्कुल भी आपकी शक्ल बंदर जैसी नहीं लगती। आप धन्यवाद धन्यवाद, आप बताइए मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? बोलिए, अरे बोलिए ना, क्या क्या हो गया, क्या हो गया, बोलिए ना, सस्पेंस में क्यों है? आप बताइए, अच्छा आप बताइए मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? सही बताएं तो हम जब यहाँ आए थे तो हमको लगा था कोई पालतू बंदर कपड़े पहनकर बैठा हुआ है, और हम उतनी देर से डर रहे थे कि ये बंदर हमको काट ना ले, और अब पता चला है कि आप डॉक्टर हैं। आपकी शक्ल बंदर से नहीं मिलती, बंदर की शक्ल आपसे मिलती है। धन्यवाद। आप भी बता दीजिए कंपाउंडर भाई साहब कि इनकी शक्ल बंदर जैसी लगती कि नहीं? ऐसा है, उठा नाली में फेंक देंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, हमसे कायदे में रहना। अरे हम पूछ ही तो रहे, चलो अच्छा ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, सिद्ध हो गया कि सब लोग कह रहे हैं कि आपकी शक्ल बंदर से मिलती है, बस एक ही भाई साहब ने नहीं कहा। भाई साहब आपने बंदर नहीं देखा क्या? आप क्यों कह रहे हैं इनकी शक्ल बंदर जिससे नहीं लगती?
देखिए बात यह है कि हम ये कह रहे थे उस वक्त कि इनकी शक्ल बंदर से नहीं मिलती है, इनकी शक्ल काले मुंह वाले बंदर से मिलती है। बंदर की भी प्रजातियां होती हैं ना, एक बंदर होता है काले मुंह वाला, बिल्कुल उस पे गए हैं, हमारे गांव में पला है तो हम जानते हैं, वही हम कह रहे थे। ये बीच में टोक दिए, थैंक यू कहने लगे तो चले गए और हम बोल ही नहीं पाए। अब हम बोले,